गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको फ्री में ग्रो बैग तैयार करना सिखाती हूँ, किस तरह से आप घर के अंदर फ्री के अंदर ग्रो बैग तैयार कर सकते हो और उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, मैंने लिया है ये कट्टा, जो आपके चीनी है, चावल है या और भी किसी चीज़ का इस तरह से वेस्ट कट्टा हो सकता है जो खाली है, उसको आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। जितना बड़ा ग्रो बैग बनाना चाहते हो उतने बड़े इसके पीस कर सकते हो। तो जैसे छोटे प्लांट ग्रो करने हैं आपको, फ्लावर वगैरह के, जैसे गेंदा है, गुलदाउदी है, इनके प्लांट ग्रो करना चाहो तो उसके लिए लगभग ये 2 फीट लंबाई का पीस और 1 फीट चौड़ाई का इतना लंबा पीस लिया है मैंने। और इसके हैं 3 जो साइड होंगी वो मैं सुई धागे की सहायता से इस तरह से सील दूंगी। एक साइड इसकी बिना सिले रख लूँगी, जिसके अंदर आप मिट्टी खाद वगैरह भर के और उसके अंदर पॉट ग्रो कर सको। तो मैं यही दिखा रही हूँ आपको, जो आप वेस्ट चीज़ हैं उन्हीं से आप कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हो और वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। तो इसके मैंने 6 पीस कर लिए हैं, एक कट्टा था मेरे पास खाद का, तो उसके मैंने 6 पीस किए हैं और इन 6 पीस से 6 ग्रो बैग तैयार हो जाएंगे। तो मैं इनके अंदर 6 प्लांट तैयार कर सकती हूँ। और इसके अंदर पौध तैयार करना चाहूँ तो काफ़ी पौध तैयार हो सकती है, जिसको बाद में रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई कर सकते हो, जो मोटी सुई और जो मोटा धागा होता है उसकी मदद से आसानी से सिला जा सकता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर 6 बैग तैयार हो जाएंगे, वो भी फ्री के अंदर। और ये बैग है, जब अपन मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो ये लगभग 20-25 रुपए का एक बैग आता है। और ये पोट में ग्रो करना चाहिए तो पोट अकेला ही कम से कम 100 रुपए का आता है। तो ये फ्री का है, इसका कोई चार्ज पैसे वगैरह कुछ नहीं लगता और सिर्फ 5 मिनट में रेडी भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इन सभी बैग को तैयार कर लेती हूँ। तो ये आपके पास किसी भी चीज़ का खाली बैग हो सकता है, तो उसे आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। यदि आप इनको बड़ा बनाना चाहो तो इसके 6 की जगह आप 3 भी पीस कर सकते हो, 2 पीस भी कर सकते हो। और बड़ा गहरा रखना है, जैसे किचन वेस्ट वगैरह है उसके आप फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रखना चाहो तो ये ग्रो बैग इतना जितना कट्टा होता है उतना रखे, और जो किचन में वेस्ट बचता है सब कुछ वो उसमें भर सकते हो और फिर इसके ऊपर मिट्टी भर के उसमें प्लांट लगा सकते हो। तो ये जो किचन वेस्ट है उसका सदुपयोग भी हो जाएगा और आपका प्लांट भी रेडी हो जाएगा, तो उसका डबल बेनिफिट होगा बड़ा रखना चाहो तो। देखिए, इस तरह से अंदर की साइड सील के और बाहर की तरफ इस तरह से कर देंगे तो ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया एक पीस तैयार इस तरह से। तो एक बैग 1 मिनट में रेडी हो जाता है इस तरह से। देख कितना अच्छा लग रहे हैं, ये सभी बैग रेडी हो गए हैं मेरे, 6 बैग रेडी हुए हैं। तो इनके अंदर मैं आपको किस तरह से आप मिट्टी वगैरह भर के रख सकते हो और इसके अंदर आप जाओ जितने प्लांट लगा सकते हो, पौध तैयार करना चाहो तो काफ़ी, और यदि प्लांट रेडी कर रहे हो फ्लावर के लिए तो एक पौधा इसमें एक बैग में लग सकता है। तो 6 पौधों के लिए 6 प्लांट ये बैग तैयार हो गए हैं मेरे। ये देखिए इस तरह से, जैसे मार्केट में ब्लैक थैली के जो प्लास्टिक के बैग आते हैं उनकी तरह रेडी हो गए हैं, उनके अंदर जो बैग तैयार करके रखते हैं नर्सरी वाले पौधे उस तरह के। तो आप इनके चाहो जितने इस तरह से बैग बना सकते हो और कितने भी पौधे तैयार कर सकते हो आप इनके अंदर। ये देखिए 6, और आप चाहो तो इनको छोटा और भी बना सकते हो, जैसे कोई छोटे प्लांट हैं, ये जो बेल वगैरह होती हैं छोटी जो लगभग 2-3 महीने में उग के और फिर नष्ट हो जाती हैं, ऐसे पौधे होते हैं उनके लिए आप छोटे भी तैयार कर सकते हो इनको। देखिए बिल्कुल
इजी तरीके से और बिना कुछ पैसा खर्च किए फ्री के अंदर इतने सारे बैग रेडी हो गए हैं। और मैं है एक बैग है जो बिना काटे भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप बिना काटे एक पूरा जो कट्टा होता है साबुत उसका भी बना सकती है। ये देखें इनके अंदर मैं पौधे लगाने के लिए इसमें मिट्टी और खाद भर दिया है मैंने। ये देखें कितने छोटे और कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ऐसे कोई देखे तो भी गंदे नहीं लगेंगे कि इस तरह से कौन से ग्रो बैग हैं। इस तरह से मैंने यहाँ काफ़ी सारे पौधे और भी रेडी कर रखे हैं, गिलास में, गमले में, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उन सभी का मैं गार्डन के अंदर यूज करती हूँ इस तरह से। तो ये जो प्लास्टिक का बिना काटे बिना सुई धागे की मदद से इस तरह से आपको इसको थोड़ा फोल्ड करके और इसका ग्रो बैग बना सकते हो, जिसका सुई धागे गया कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही रेडी हो गया है बिना कुछ किए इस तरह से। और इसके अंदर भी मैं मिट्टी और खाद भर के और आपको प्लांट ग्रो करके दिखाती हूँ कि इस तरह से आप भी प्लांट ग्रो कर सकते हो। इसके लिए मैंने लिए हैं हजारे जो गेंदा बोलते हैं उसके और गुलदाउदी के कुछ माला के पुष्प हैं उन्हीं को मैं इसमें ग्रो करूँगी। जो पौधे तैयार हो जाएंगे इसमें काफ़ी सारी पौध तो उनको मैं फिर रिप्लेस कर दूँगी अलग अलग जगह। ये जो इस टाइम का अक्टूबर का टाइम है उसके अंदर ये जो गेंदे की पौध तैयार की जाती है उसका बेस्ट टाइम है। इसके अंदर पौधे तैयार होते हैं वो दिसंबर तक फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सर्दियों में इसके फ्लावर आएंगे अब जो पौधे ग्रो करेंगे उनके। तो ये मैंने मिट्टी भर दी है इसके अंदर और ये लिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद। तो इसको मैं इसमें इस तरह से भर दूंगी। ये 5 kg खाद है मेरा, तो इसमें मैं पौधे तैयार कर रही हूँ रिप्लेस बाद में करने के लिए। तो काफ़ी खाद डाल दिए मैंने और इसको मिट्टी से मैंने इतना भर दिया है। ये है गुलदाउदी और गेंदे के पुष्प जो मैंने सुखा के इनके बीज रेडी कर रखे थे। इस तरह से इनको पूरे के अंदर समान रूप से मैं छिड़क दूंगी और इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक लेयर जमा दूंगी। फिर इसमें मैं रोज़ पानी डालती रहूँगी और जब ये ग्रो जाएंगे उसके बाद दिखाऊंगी आपको ये किस तरह के प्लांट रेडी हुए हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप भी अपने इस तरह से फ्री की चीज़ों से कुछ यूजफुल चीज़ बना सकते हो।